हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टका सिस्टम को कि ये क्या होता है और एयरक्राफ्ट में इसका क्या यूज़ होता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले सिस्टम्स पर डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एविएशन प्रोग्राम। फ्रेंड्स, टकास यानी ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन एविडेंस सिस्टम का यूज एयरक्राफ्ट को गाइड करने में होता है ताकि एयरक्राफ्ट को कोलाइड होने से बचा सकें। टकास एक ट्रांसपोंडर बेस्ड सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट की प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर और रिसीव करता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट की स्पीड, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड, वर्टिकल स्पीड एक्सेट्रा। टकास सिस्टम में मेनली दो क्लास होती हैं, टकास 1 और टकास 2। अब हम बात करते हैं टकास 1 की। टकास 1 एयर ट्रैफिक को 35 टू 40 मील्स तक का स्कैन करता है और अगर किसी कारण से ये सैचुरेशन कम हो जाता है तो टकास फर्स्ट ट्रैफिक एडवाइजरी को इशू करता है, यानी कि टीए को इशू करता है, ताकि पायलट दोनों एयरक्राफ्ट को सैचुरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सके और कोलिजन को अवॉइड कर सके। टकास फर्स्ट को बिजनेस एयरक्राफ्ट या लेस सीटर एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे एविएशन इंडस्ट्री के मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस, बोइंग और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले टकास सिस्टम की। फ्रेंड्स, मॉडर्न एयरक्राफ्ट में हम टकास 2 का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, टकास 2 का वर्किंग प्रिंसिपल टकास फर्स्ट के जैसा ही है, लेकिन टकास 2 स्ट्रेट और बैक के एरिया के साथ साथ एयरक्राफ्ट के अबव और बिलो एरिया को भी स्कैन करता है। अगर किन्हीं दो एयरक्राफ्ट के बीच का सेपरेशन 40 नॉटिकल माइल्स है तो एनडी डिस्प्ले यानी कि नेविगेशनल डिस्प्ले पर होलो डायमंड शो होता है। अगर वो एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड से ऊपर है तो प्लस साइन शो होता है और अगर नीचे है तो माइनस साइन शो होता है। अगर सेपरेशन घटकर 6 टू 10 नॉटिकल माइल्स का हो जाता है तो होलो डायमंड वाइट सॉलिड डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है और एयरक्राफ्ट को क्लाइम या डिसेंड करते ही वाइट सॉलिड डायमंड डॉट एम्बर कलर में चेंज हो जाता है। उस टाइम पर दोनों एयरक्राफ्ट में टीए यानी कि ट्रैफिक एडवाइजरी इशू होता है कि पायलट 40 सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट को कोलिजन होने से बचाएं, यानी कि कोलाइड होने से प्रिवेंट करें। अगर किसी सिचुएशन के कारण पायलट सेपरेशन नहीं कर पाता है उस टाइम एयरक्राफ्ट में आरए इशू होता है, यानी कि रिसोल्यूशन एडवाइजरी इशू होता है और एमर डॉट कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आरए यानी रिसोल्यूशन एडवाइजरी दोनों एयरक्राफ्ट को मैसेज सेंड करता है कि एयरक्राफ्ट को डाइव करना है या फिर क्लाइम करना है। अगर एक एयरक्राफ्ट को डाइव करने का मैसेज आता है तो दूसरे एयरक्राफ्ट को क्लाइम करने का मैसेज आता है ताकि वर्टिकल सेपरेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और एयरक्राफ्ट को कोलाइड होने से प्रिवेंट कर सकें। और कोलिजन अवॉइड होने के बाद पायलट एयरक्राफ्ट को फिर से एक डिजायर्ड क्रूज पाथ पर लेकर चला जाता है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये काम इतनी फास्टली से होता है कि पायलट करंट सिचुएशन को एटीसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद पायलट एटीसी को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज नॉलेज डिस्कस करने से ही नॉलेज इंक्रीज होती है। तो बने रहें हमारे साथ।